जी वेलकम बैक। अच्छा जी, एफबीए होलसेल की इसमें जो है लेक्चर में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि प्लेसमेंट सर्विस जो है वो किस तरह से आप ये ले सकते हैं अमेजोन से। ठीक है, सेटिंग्स में जाके अमेजोन के सेलर सेंटर में, ठीक है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, ठीक है, इसको आप क्लिक करें। अब ऑप्शन आएगा यहाँ पर इनबाउंड सेटिंग, ठीक है, इनबाउंड सेटिंग, ये देखें इनबाउंड सेटिंग्स, ठीक है, यहाँ पर एडिट का बटन आ रहा है, इसको क्लिक करें, एडिट करें, ठीक है, इन्वेंट्री रिप्लेसमेंट ऑप्शन, ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हमने अनेबल किया हुआ, ठीक है। अच्छा जी, ये यहाँ पे हम क्लिक करके और इसको अपडेट कर देंगे, ठीक है, तो ये आप जो है वो अमेजोन को अपने सेलर सेंटर पे बता देते हैं कि मेरी तरफ से जो इन्वेंट्री आएगी उसका आपने मुझसे कुछ हिस्सा ले लेना है, ठीक है, और उसको डिफरेंट अमेजोन के वेयर हाउसेज में पहुंचा देना है, ठीक है। मजीद इसकी आप जो है वो इसको रीड करेंगे तो यहाँ से इसके टर्म्स एंड कंडीशन है वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ठीक है, कि इसकी फीसेस क्या होंगी। जैसे शिपिंग प्लान उसने $60 बता दिए था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। अब इस तरह से इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से ताकि ये फुल स्क्रीन पे नजर आए। अब ये देखिए यहाँ पर पूरी इसकी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है, कैटेगरीज इसने मुझे बताई हुई है, ठीक है, इन्वेंट्री की प्लेसमेंट, ठीक है, ये मुझे कैटेगरीज के हिसाब से, साइज के हिसाब से मुझसे ये प्राइजेस बताई हुई है कि भाई अगर 1 LB से कम होगी तो मैं 0.30 सेंट्स आपसे लूंगा, चार्ज करूंगा, 1 से लेके 2 LB के दरमियान होगी तो मैं यहाँ से लेके यहाँ आपको चार्ज करूंगा, ठीक है, तो ये यहाँ से आपको पता चलेगा, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी, अच्छा इस तरह से आप लोग मजीद इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक हो गया, मजीद ऐसी चीजें आप एक्सप्लोर करेंगे अपनी लाइफ में, बस आपने पढ़ लिया खत्म हो गया तो ये कोई कहानी नहीं है, ठीक है, मजीद आप इसको एक्सप्लोर करेंगे अपने तरह से। आप लोग रहिएगा, साथ रहिएगा, इंशाल्लाह काफी चीजें होंगी जो कि अपडेट आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे, ठीक है, हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिएगा, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको वो सारी चीजें सिखाती जाए, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया आपका प्लेसमेंट, ठीक है, अपडेट कर दिया आपने, ओके हो गया, दैट्स इट सक्सेसफुली, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं सेलर सेंटर का, ठीक है, ओवरव्यू में ये है, यहाँ ये है कैटलॉग, कैटलॉग में आप जो है वो प्रोडक्ट ऐड करते हैं, आप लोगों ने की थी ना, याद है ना, ये कंप्लीट, ये देखें ये क्या डिफॉल्ट, चलो इसको चेक कर लेते हैं क्या है ये, वो एप्लीकेशंस जो कि डिफॉल्ट में होंगी, ठीक है, जो कि अभी तक अप्रूव नहीं हुई होंगी, वो सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पे मुझे दिखा देगा जो मेरी सेलर सेंटर पे ऐड हुई होंगी, ठीक है, यहाँ से डिफॉल्ट में कोई नहीं है, और जो व्यू सेलिंग एप्लीकेशंस वो बता दीजिए, यहाँ से वो एप्लीकेशन आएंगी जो कि मी टू लिस्टिंग हो चुकी होंगी, ठीक है, यहाँ से वो लिस्टिंग आ जाती है, ठीक है, अगर ऐड अ प्रोडक्ट करना है तो ऐड अ प्रोडक्ट में आपको पता है क्या होता है, आप यहाँ से पीएल के लिए भी यहाँ से आप प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और होलसेल के लिए भी, ठीक है, होलसेल का तरीका ये है कि आप यहाँ पर एसएन नंबर डालते हैं और सर्च करते हैं एंड सो ऑन, ठीक है, लिस्टिंग आपकी बन गई, अब लिस्टिंग किधर से जाके देखेंगे, वो यहाँ से इन्वेंट्री मैनेज इन्वेंट्री, ठीक है, यहाँ से ऑप्शन से ये देखिए आपकी लिस्टिंग आ गई, ठीक हो गया, ये लिस्टिंग आ गई, यहाँ से इसकी शिपिंग प्लान बन जाएगा, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री, ठीक हो गया, प्राइसिंग, ठीक है, ऑर्डर्स, ऑर्डर्स का किस तरह होता है, ये ऑर्डर्स का सारा यहाँ पर आता है, ठीक है, जो आपको ऑर्डर्स आने होते हैं वो इस तरह से, मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ आपको, मजीद आप इसको एक्सप्लोर करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है, सारी चीजों को आप, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी ये फील्ड बन चुकी है, जितना मजीद इसको आप समझेंगे सीखेंगे
जितना मजीद नॉलेज आपके पास होगी उतने आप एक्सपेंसिव से जो है वो होते जाएंगे, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में ये सारी एडवर्टाइजिंग होती है, किसके लिए, पीएल के लिए पढ़ाई जाती है, ये पीएल में आपको पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। जो लोग पीएल पढ़ चुके हैं वो उनको ये पढ़ा दी गई है पीपीसी, ठीक है। और स्टोर मैनेज मतलब आपने अगर इसको ब्रांड को रजिस्टर करवाया तो फिर यहाँ से एनरोल वगैरह होता है, ठीक है। ग्रोथ मजीद जो इसकी फीचर्स हैं वो आप लेते हैं, आपके पेमेंट्स वगैरह, लाइब्रेरी डॉक्यूमेंट्स, रिपोर्ट वगैरह, किस चीज़ की रिपोर्ट आपको चाहिए वो सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ से देखते हैं। अकाउंट की हेल्थ वगैरह यहाँ से आके आप देखते हैं परफॉर्मेंस में, ठीक है। ये देखिए ये आपको आपके अकाउंट की हेल्थ बताता है कि कैसी है, अच्छी है बुरी है, कोई कंप्लेन आई हुई होती है तो यहाँ पर कोई कंप्लेन आ जाती है, ठीक है। उसको फिर हम कैसे जाके कैश लॉग इन करते हैं यहाँ से जाके, और हम जो है वो किधर चला गया, सॉरी ये रहा हेल्प में, ठीक है। कोई अगर आपके अकाउंट में कोई मसला आता है तो वो यहाँ पर रेज हुआ होता है कि भाई आपके जो है वो लिस्टिंग में ये पॉलिसी की जो है वो वायलेशन हुई है, एक हुई है, दो हुई है, कितनी हुई है, कंप्लेन यहाँ पर आए, ठीक है। फिर यहाँ हेल्प में जाके आप जो है वो एसकेयू नंबर लेंगे अपना, अपनी लिस्टिंग का, और यहाँ से आके इसका केस ओपन करेंगे, ठीक है। खैर ये अलग अलग एक स्किल्स हैं, ये जरूरी नहीं है एक ये को सारे स्किल्स हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ये मजीद फिर जो बंदा जहां जिसको जो समझ, बहुत काम है, बहुत काम है, ठीक है, बहुत काम है। रिसीविंग एरर फलां फलां ये सारी चीजें एसकेयू डाल के मजीद आप इसको यहाँ से केस ओपन करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से है, ठीक है, मैसेजेस। और इसके अलावा अच्छा जी एक और चीज, एक क्लाइंट था उसने कहा जी मुझे जो है वो मेरी लिस्टिंग बनी हुई है, ठीक है, मेरी कोई इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में नहीं है, तो अमेजोन मुझसे हर महीने के $100 क्यों चार्ज कर रहा है। तो उसको बोलिएगा सर आप मुझे जरा एक्सेस दीजिएगा अपने सेलर सेंटर का, ठीक है, एक्सेस देके एनी डेस्क ज्वाइन कर लें, ठीक है, उसकी ये इन्वेंट्री में आके जरा उसकी लिस्टिंग देख लीजिएगा, लिस्टिंग अगर एक्टिव है तो उसको बता दीजिएगा सर ये एक्टिव है। जब तक ये एक्टिव रहेगी भले आपकी जो है इन्वेंट्री अमेजोन के वेयरहाउस में हो या ना हो, अमेजोन आपसे फीसेस जो है वो चार्ज करता रहेगा। सो लिहाजा इसको आप डिलीट कर दें। कैसे डिलीट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, एडिट के बटन पे दबाएंगे और यहाँ पर डिलीट प्रोडक्ट लिस्ट ये देखें, डिलीट प्रोडक्ट एंड लिस्टिंग, ठीक है, यहाँ क्लिक करें, ओके करें, ठीक है, और ये डिलीट हो गई, ठीक है। अभी ये यहाँ से गई नहीं है लेकिन आपको ये बता रहा है 15 मिनट में ये अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है, और हो जाएगा 15 मिनट से पहले ही ये चली जाएगी लिस्टिंग, ठीक हो गया। ठीक हो गया सर। जी चलें जी, कल नहीं परसों इंशाल्लाह हम लोग एक सेशन रखते हैं जिसके जिस सेशन में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप जो है वो अपने लिए, अब आपके पास अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई ब्रांड अप्रूवल है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, कोई अच्छी प्रोडक्ट है, ठीक है, अब माशाल्लाह आप काम करने जैसे हो गए हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब आपके पास हो जाएंगी आप समझ जाएंगे तो फिर कल नहीं परसों हम आपको बताएंगे कैसे आप जो है वो क्लाइंट को अप्रोच करें, कहाँ ढूंढें, कैसे ढूंढें, कहाँ कहाँ से मिलेंगे, पोर्टफोलियो क्या है, किस तरह बनाना है, ये सारी चीज़ें, ठीक हो गया। आज के लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन है तो ओके प्लीज़ क्वेश्चन करें, अदरवाइज हम इसको वाइंड अप करेंगे। बाकी टेम्पलेट मैं आपको इंशाल्लाह भेज दूंगा, बाकी सारी लेक्चर्स की भी टेम्पलेट्स हमने भेज दी हुई हैं आप लोगों को, आप लोग काइंडली उसको एक्नॉलेज ज़रूर किया करें। सर। जी सर, बस सर ये प्रैक्टिस के लिए कोई एक्सेस दिलवाए थी जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उसी प्रैक्टिस फीस कैसे में करेंगे सर सेम टाइम उसी पर फीस में एक्स्ट्रा ना चार्ज करें, ये सर तो अब हमारा हक है ना सर जी एक्स्ट्रा चार्ज, बात सुने बात जी सुने, जी एक्स्ट्रा चार्ज कर लें लेकिन ये अच्छा प्रैक्टिस करवाएं ठीक है ठीक है, यकीन नहीं हम करें राजी हैं, अगर आप पैसे देने के लिए राजी हैं तो फिर हम राजी हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है सर। जी।
सर हम भी राजी हैं, पैसे ओके देने okay, ठीक हो के गया, ठीक हो गया। चलें जी, अपना लिए। बहुत थैंक यू सारा सर, ख्याल थैंक यू, रखिएगा। टेक केयर टू ऑल, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज़।